शिखर धवन हैज गॉन टू दिल्ली डेयरडेविल्स और दिल्ली ने 3 खिलाड़ियों को भेज दिया है सनराइजर्स हैदराबाद में। हैशटैग आकाशवाणी और एक बड़ी खबर के रूप में है, यहाँ आईपीएल का माहौल थोड़ा गर्माना शुरू हुआ है क्योंकि 15 नवंबर को यू हैव टू डिसाइड हु यू वांट टू ट्रेड, हु यू वांट टू कीप। सो सनराइज हैदराबाद ने रिलीज किया यहाँ पे शिखर धवन को और दिल्ली ने 3 खिलाड़ियों को दिया है, शहबाज नदीम को दे दिया, अभिषेक शर्मा को दे दिया और उन्होंने दे दिया विजय शंकर को। अब बाय वन गेट 3 फ्री, इट्स अ फैंटास्टिक डील इज व्हाट आई फील। क्या सनराइज हैदराबाद को इसका नुकसान होने वाला है, क्या दिल्ली का बहुत फायदा होने वाला है? सबको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन पहले जो एक बड़ा सवाल था कि जो सनराइज हैदराबाद ने एक स्टेटमेंट दी कि फाइनेंशियल कारण के वजह से ही वॉज लुकिंग अ लिटिल अनसेटल्ड, वो बात एक्चुअली समझ में आने वाली है नहीं क्योंकि राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया, बाकी टीम्स ने जितना बिड किया उतने ही पैसे सनराइज हैदराबाद ने दिए, तो फिर व्हाट मेड शिखर सो अनहैप्पी दैट ही वॉज नॉट सेटल्ड? वेल दैट्स फॉर हिम टू डिसाइड, बट अब वो चले गए हैं। तो अब दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली ने एक ओपनर्स की अकेडमी खोली है, वहाँ पे पृथ्वी शॉ है, वहाँ पे श्रेयस अय्यर है, वहाँ ऋषभ पंत है, वहाँ जेसन रॉय है, वहाँ कॉलिन मुनरो है, वहाँ मनजोत कालरा है, अब वहाँ पे शिखर धवन भी है। भाई ओपन ही करेंगे क्या सारे? आई मीन थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में भी तो बैट्समैन चाहिए होते हैं। आई रियली कांट अंडरस्टैंड कि दिल्ली की स्ट्रैटेजी क्या है, हमेशा से स्ट्रैटेजी में मात खाते हैं और शिखर धवन से लग रहा है नोशनली कि आप बहुत मजबूत हो गए, लेकिन अगर T20 में जो खिलाड़ी जहाँ फिट होता है वहाँ नहीं खिलाओगे ना तो परेशानी होगी। तो फिर इवन इफ शिखर स्कोर्स रन, तो शिखर के साथ पृथ्वी, कॉलिन मनरो, जेसन रॉय, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी, ऋषभ पंत, कहाँ कराओगे इन सबको बैटिंग यार? सो आई थिंक दे माइट फाइंड देमसेल्व्स इन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम वंस अगेन। अब सनराइज हैदराबाद को क्या क्या मिला, शहबाज नदीम मिले, क्वालिटी बोलर है और हो सकता है कि शाकिब अल हसन पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल ना हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर दे'ल हैव अ फैंटास्टिक ऑप्शन। अभिषेक ने मैच कम खेले थे पिछले बार लेकिन इंप्रेस किया था, मुझे तो भाई बहुत इंप्रेस किया था, फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है तो उनकी भी एक अच्छा एडिशन है क्योंकि क्या चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद को, थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में बैट्समैन, ही कुड बी दैट गाय। विजय शंकर आपको फिर वही विकल्प प्रदान करते हैं, अगर इफ ही कम्स टू हिज ओन तो वहाँ पे थोड़ी बॉलिंग, थोड़ी बैटिंग, फिनिशर के रूप में, और क्या बतौर ओपनर वो मिस करेंगे धवन को, उनके पास केन विलियमसन है, उनके पास डेविड वॉर्नर है और उनके पास एलेक्स हेल्स है, तो अगर हेल्स मान लीजिए इंग्लैंड उनको ज़्यादा रिलीज नहीं भी करता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो केन विलियमसन और वॉर्नर के साथ ओपन करेंगे एंड देर वोंट रियली बी मिसिंग शिखर धवन दैट मच इज़ व्हाट आई फील। आप थोड़ा सा अलग सोच सकते हैं तो कमेंट्स का नीचे सेक्शन है, आप उसको भर दीजिए, बता दीजिए कि नहीं भाई आकाश चोपड़ा आपकी इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, धवन को बहुत मिस करने वाले हैं सनराइज हैदराबाद, बट देन वी शैल फाइंड आउट।